आपके आने से ये शाम खास हो गई, आपके आने से शाम खास हो गई। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आप ही के शहर में, क्योंकि आप लोग यहाँ से हो और मेरी भी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। बेसिकली पिछले 10 साल से दिल्ली में हूँ, आप सभी को पता ही है। लेकिन कानपुर में रहते हुए लखनऊ से यादें ना जुड़ना, ऐसा हो नहीं पाता। जितने भी फॉर्म फिल करो, सारे फॉर्म के सेंटर यहीं पे पड़ा करते थे। तो कभी बाइक लेके आना होता था, कभी बस में चढ़ के आना होता था। 2-3 घंटे का वो ट्रैवल, कहने को 2 घंटे लगते हैं लोग बोलते, लेकिन 2.5-3 घंटे लग जाते हैं कानपुर से यहाँ तक आते आते। इतना जाम हो जाता है, अभी कुछ ज्यादा ही हो गया। तो सेशन थोड़ा सा ऐसा रखते हैं कि आज कुछ अलग बातें करते हैं। अलग बातों का मतलब जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें, कुछ मेरा अनुभव जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। और सबसे पहले माफी इस बात की चाहूंगा कि अनुभव इतना भी बड़ा नहीं है। 32 साल की उम्र में जितना भी अनुभव मिला है उतना आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ कि हर जगह हो सकता है फिट ना बैठे, बट 90% जगह फिट बैठी है। ये एक्सपीरियंस, ये मेरा दावा है। सबसे पहली चीज ये है कि लोग किसको एप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों के मन में एक मलाल होता होगा हमेशा कि उसको एप्रिशिएट किया जा रहा है, मुझे नहीं किया जा रहा है एप्रिशिएट। ये कई बार होता है, उसको क्यों एप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे माता पिता उसको कर रहे हैं एप्रिशिएट, हमारा दोस्त उसको एप्रिशिएट कर रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन की डेफिनेशन क्या है, क्यों ऐसा होता है। हमेशा ध्यान रखना, जो भी वीक है, जो वीक है दुनिया उसे ही एप्रिशिएट करेगी, दुनिया उसे ही सपोर्ट करेगी। ये एक माइंडसेट है। विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे YouTube चैनल पे जो अभी कम्युनिटी है उस पर आपने देखा होगा, कल मैंने एक पोस्ट करी थी एक छोटे बच्चे की जो कि छत में पढ़ रहा था स्ट्रीट लाइट के नीचे, ठीक है। अभी तक उस पर 4000 लोग लाइक ठोक चुके हैं। 4000 लोगों के लाइक आए, खुद का आता पता नहीं है, खुद का एक भी एग्जाम नहीं निकल रहा है, और सब उस पे आके क्या लिख रहे हैं, ईश्वर इसको बहुत अच्छा करिए, ईश्वर इसको आईएएस बना के छोड़े, उससे नीचे कुछ चाहिए नहीं। इसके माता पिता को ईश्वर क्या क्या दे दे, दुनिया जहां की इसको खुशियां मिल जाए, खुद को फॉर्म भरने का शौक नहीं। उसी कम्युनिटी पर नीचे जाके देखोगे तो एक स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है, मेरा एक स्टूडेंट जिसका इस साल जो भी रिजल्ट आए हैं प्रीवियस के, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल क्वालिफाई हुआ, उस पे जाके देख लो कितने लाइक आए। 500 होना मुश्किल है, 500 होना मुश्किल है। देखो ये बोले मैंने नहीं देखा, क्या मतलब है अपने आप, क्या मतलब है। Because he has become strong. नहीं करते हम किसी को चीज, जिसके पास पावर होती है, जो कि संपन्न होता है, उसको दुनिया नहीं करती चाहिए। दुनिया चीयर सिर्फ उसी को करती है जो कमजोर है। अब इसका किससे लेना देना है, किसी ग्रंथ से लेना देना है, या मैं आपको आध्यात्म का ज्ञान दे रहा हूं, नहीं। इसका कहने का मतलब यह है कि पहली चीज तो आप ये गिले शिकवे ही छोड़ दो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें या ना करें। और अगर कोई अप्रिशिएट कर पाए तो आगे जाकर ये मत बोल देना कि यार वो बदल गया, तब तो मेरा बहुत साथ देता था, आज मैं ये हो गया तो मुझे छोड़ के चले गए। दुनिया का यही दस्तूर है कि जब आप कुछ बन जाओगे तो दुनिया आपको छोड़ देगी। लोग आपसे कटने लगते इस वजह से नहीं, इस वजह से नहीं कि वो इस बात से खुश है कि आप आगे बढ़ गए। उन्हें इस बात से दिक्कत हो जाती है कि आप उनके लेवल पे नहीं हो, उस लेवल से आपका स्तर ऊपर उठ गया है। वो उस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जब कोई कमजोर है तो हम उसी बात को केवल डाइजेस्ट कर पाते हैं। ये बताने का मेरा मतलब था, पहली चीज इस चीज को हटाओ। मैंने कहा ना 90% लोग ऐसे हैं, 10% ऐसे नहीं है। मैं कैसा हूं या नहीं हूं ये जज करने वाली दुनिया है, मैं नहीं। बट आप कैसे हो या नहीं हो ऐसे ही दुनिया जज करने वाली। बट आप अपने आप में तो सोच सकते हैं ना। आज के बाद ये चीज भूल जाना कि लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते हैं। और हाँ, बहुत खुश होने की भी कोशिश ना करना। इस टाइम पे लोग तुम्हें बहुत बोलेंगे, परेशान ना हो। जीवन में हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं, परेशान ना हो। अरे भाई है, जरा भाई है, तुझे पैसे की जरूरत पड़े तो बताइयो मुझे, बोलते हैं ना। अरे भाई नौकरी नहीं लग रही तो क्या हुआ, टेंशन ना ले भाई, मेरी जेब में पैसे रहते हैं, मैं तुझे दूंगा पैसे। कारण क्या है, क्योंकि आप उसके स्तर से नीचे हो। मेरे दोस्तों के साथ भी यही था, बहुत सपोर्ट करते थे मुझे, बहुत सपोर्ट करते थे। आज जब मुझे मोरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, आज मुझे पैसे की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, मोरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो सपोर्ट गायब। क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये सबके साथ होना है, इन चीजों के पीछे नहीं भागना है। दूसरी एक और बात, हम लोग ऑर्ग्यू बहुत करते हैं, हर बात पे हम ऑर्ग्यू करेंगे। ऑर्ग्यू हम करते क्यों हैं, क्यों करते हैं ऑर्ग्यू? ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर। ऑर्ग्यू करना, मैं कह रहा हूं मैं तो नहीं करता, तो भाई मैं ह्यूमन नहीं हूं, एनिमल हूं क्या? बोलो, मैं ह्यूमन नहीं एनिमल हूं क्या? ह्यूमैनिटी मेरे अंदर भी है, जितना हो सकता है उतना करता हूं। ऑर्ग्यू क्यों करते हैं? अपनी बात को सही करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। ऑर्ग्यू क्यों करते हैं, उसका एक ही कारण है, ईगो। ईगो, ईगो। और इसमें हमें मजा आता है ना, मजा बहुत, हमारा ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, इस वजह से हम ऑर्ग्यू करते हैं। इसकी जगह पर क्या करें? अगर ऑर्ग्यू से बचना है तो आपको पता है आप ऑर्ग्यू में दो चीजें लॉस करते हो, पहला टाइम अपना आप लॉस करते हो और दूसरा अपनी इमेज भी कई बार लॉस कर देते हो, अपनी इमेज भी लॉस करते हो। जब एक स्तर आपका बढ़ता है ना, तो आप ही के मुंह से एक बात निकलती है, अरे मैं इसके मुंह क्यों लगूं, अरे मैं इसके मुंह क्यों लगूं, मैं इसके मुंह लगूंगा, मैं इससे बात करूंगा। क्यों भाई? तो आप जब उस स्टेट में हो तो आप क्यों कर रहे हो? टाइम और इमेज दोनों लॉस करना छोड़ो, ऑर्ग्यू मत करो, ऑर्ग्यू मत करो। और ऑर्ग्यू की जगह पर क्या रखोगे? चैलेंज, चैलेंज लेना सीखो। एग्जामिनर को वही याद रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रहता। वैसे तो एग्जामिनर पूरी कॉपी भी नहीं पढ़ता, उसके बाद इतना समय नहीं होता है, बीच में सब कुछ चल जाएगा थोड़ा बहुत। स्टार्टिंग और एंडिंग आपके रिश्तों में भी ये चीज काम आती है, आपको पता है आपके रिश्तों में भी काम आती है। कल को हर एक के जीवन में जो है उसे जाना ही है, जाना ही है। लोगों के सर से माँ बाप का भी साया होता है, एक दिन माँ बाप भी जाते हैं, लेकिन क्या होता है उस दिन? उस दिन हम ये सोचते हैं कि ये क्या करके गए, हमें किस लायक बना के गए। एंडिंग कहीं पर भी, छोटी सी छोटी जगह से लेकर बड़ी से बड़ी जगह तक, आप कहीं पर भी इस चीज को अप्लाई कर लेना। स्टार्ट और एंडिंग का कॉन्सेप्ट कभी मत भूलना। क्लियर हो रही है मेरी बात आप सभी? और बताइए क्या हाल है? बहुत गर्म बातें होगी। कैसे आए हो आप सभी लोग? कोई ओन व्हीकल से आया होगा, कोई कैसे, कोई कैसे, है ना? आप बिहार से हैं? बिहार, पटना। एक्चुअली एक तारीख को यहाँ आए थे, हाँ, पता चला कि आपका यहाँ से चलो जी, गंगा में हाथ धो लिया। सही कह रहे थे। अभी पटना में सेमिनार हुआ था, वहाँ गए थे? नहीं सर, एक्चुअली जा नहीं पाया। अच्छा अच्छा, वहाँ पे तो खुले मैदान में हुआ था, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट थे। हाँ। यहाँ तो, यहाँ अब नहीं है, यहाँ पर लोग खुले मैदान में कर नहीं सकते, जैसे यहाँ अकेडमी सेंटर में ही करना। अगली बार लेकिन कोशिश रहेगी कि बाहर खुले मैदान में मिले, ताकि और भी लोगों को मौका मिले। अभी तो सिर्फ एक शहर में जाके मिलने का मतलब ये है कि अब आप लोगों की डिमांड आ गई है कि सर हमारे शहर हो, हमारे शहर हो। तो अभी हम लोगों ने शुरू किया है कि अब धीमे धीमे करके जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। कुछ टाइम बाद मैं कोलकाता का प्लान बना रहा हूँ, कोलकाता से बहुत सारा प्यार आ रहा है। यहाँ पे तो कमी स्टूडेंट है, बट स्टिल लखनऊ से मेरा लगाव है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने कहा मैं लखनऊ से ही शुरू करता हूँ। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। कौन मुझे पहली बार देख रहा है सामने से? सारे ही पहली बार देख रहे हैं। कोई ऐसा बैठा है जो मुझसे मिल चुका हो पहले, 1-to-1? शुक्ला जी नहीं मिले, शुक्ला जी नहीं मिले। कोई और? आपका नाम क्या है? बिल्कुल बेसुध से बैठे हुए हैं, जीवन में क्या तकलीफ चल रही है बताइए। अश्वनी शुक्ला। अश्वनी शुक्ला, आप भी शुक्ला जी हैं। बताइए शुक्ला जी, क्या तकलीफ चल रही है? प्रोग्रेस है? तैयारी किसकी कर रहे हैं? एसएससी। एसएससी टारगेट क्या लेके चल रहे हैं? सीजीएल, सीएचएसएल, क्या सीजीएल। इस बार का सीजीएल देना है और इससे पहले अटैम्प्ट है नहीं है, फर्स्ट टाइम। क्वालिफिकेशन क्या है? अभी कंप्लीट हुआ है बीकॉम जस्ट इसी साल जी। बिल्कुल सही टाइम का दौड़ा मार रहा, सही है। किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं, उससे सोचा होगा ना कि वरुण सर से मिल रहे हैं, हाँ डायलॉग सुनना चाहते हैं, कौन सा डायलॉग सुनेंगे? सर मोहब्बत का दर्द, मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। हमने तो आपको माफ किया, लेकिन अगर कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर करिएगा। सर बोलिए। सर आप जैसे कहें कि अगर किसी से काम करवाना है तो उसको चैलेंज दें, हाँ ठीक। जैसे मैंने कोई किसी को काम दिया कि भाई मेरा ये काम कर दे, और वो अगर सामने से खुद भागना चाह रहा है तो कह देगा ठीक है भाई हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तुम चाहे चैलेंज दो चाहे ना दो, हमसे नहीं हो पाएगा। तब उस कंडीशन में फिर हम कैसे उससे आप करेंगे? तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसे लोगों की, मैंने कहा ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। बात आ रही है समझ? एक ही व्यक्ति आपका काम करने के लिए नहीं बना है। आपको व्यक्ति से मतलब है या अपने काम से मतलब है? वो व्यक्ति नहीं है, दूसरा व्यक्ति है। हर कंपनी यही तो करती है, जो एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो उसके आगे हाथ जोड़ के नहीं भैया काम ही करो, तुम सैलरी तुम्हें ही देंगे, नहीं देखो दस्तूर है दुनिया। प्रैक्टिकलिटी पर आओ, सपनों से बाहर निकलो। हमें फिक्स नहीं करना है अपने आप को। आज सबसे बड़ी बेवकूफी वाली बात मुझे लगती है कि जो मुझसे पुराने लोग मिलते हैं वो मुझे बोलते हैं यार बहुत बदल गए, बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। तो मैं कहता हूं हाँ भाई बदल गया, लेकिन तुम क्यों नहीं बदले? क्यों नहीं बदले? किसने मना किया था? नहीं भाई मैं जैसा था मैं वैसा ही रहूंगा, मैं तो नहीं बदल सकता। सुना होगा ना, स्पेशली इधर बहुत है कानपुर लखनऊ साइड, मैं नहीं बदलूंगा कभी। तो भाई लोग कहीं पर भी चला जाइयो, एक बार भाई आवाज दियो, भाई तेरा वही मिलेगा। भाई तुमने डिसाइड कर दिया तो वही रहेगा, तुझे जाना ही नहीं है कहीं। ये हवा हर सेकेंड बदल रही है, ये कण कण हर सेकंड बदल रहा है। इस जमीन में यहाँ पे इस फर्श में भी धूल का कण है, मैं इस पर चल रहा हूं, ये बदल रहा है। फील करो इस चीज को। मौसम हर वक्त बदल रहा है, कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है। और जियोग्राफी में तो पढ़ाई होगा, हमारी अर्थ भी हर सेकंड बदल रही है, अपनी पोजीशन बदल रही है, घूम रही है अपनी एक्सेस पर, और ये ब्रह्मांड भी बदल रहा है। तो तुम ही एकदम मेरे बेवकूफ हो जो बोल रहे हो हम नहीं बदलेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। बकवास है। तुम नहीं बदलोगे इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से। यू हैव टू बिकम अ डायनेमिक। स्टैटिक मतलब मुर्दा, जान नहीं है, डेड बॉडी होती है भाई, जो नहीं बदलती अपनी लोकेशन। जिंदा हो तुम, जिंदा बदलो, जरूरी है बदलना। और तुम तो बोल रहे हो हम नहीं बदलेंगे, तुम्हारी बॉडी अपना प्रारूप बदल रही है। इतने बड़े हुआ करते थे, इतने बड़े हो गए। इस बीएड के बाल को बोल दो, इस सर के बाल को बोल दो, बढ़ना नहीं है, नहीं बढ़ना है, उतना ही बड़ा रहना है। रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। चेंज इज नॉट द ह्यूमन नेचर, चेंज इज द नेचर ऑफ नेचर। ये नेचर ही चेंज हो रहा है। इंसान की मिसाल ही क्या है? आप पीछे रह जाओगे इस चीज में, समझो इस चीज को। चेंज होना है तब चीजें बेहतर होंगी। समझ पा रहे हैं? बढ़िया सवाल था। और बताइए फिर से, आप ही को बहुत तकलीफ है, बताइए। मान लीजिए जैसे हम अपने गोल को कैसे बिना बताए सारा काम हम करते रहे, जैसे हम क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी मुँह से निकल ही जाता है। तो सर उस चीज़ को हम कैसे कि सर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी करना लेकिन अच्छा 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 लोग आपसे इनका सवाल बहुत अच्छा है, इनका सवाल बहुत अच्छा है कि मैं बताता हूँ इनका सवाल क्या है। अभी ऐसा पता नहीं लगता ना, जो लाइव स्टूडेंट है उनको भी नहीं पता लगेगा ना। इनका सवाल ये है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, किसी को बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लोग पूछते हैं, इस उम्र में पूछते भी हैं, पापा के दोस्त आ गए बच्चा क्या कर रहा है, या बगल वाले ए बेटा क्या कर रहे हो, आजकल क्या चल रहा है, उसको ज्यादा दिक्कत है। और ये सबसे ज्यादा सीसीटीवी दिल्ली में नहीं है, ये मत सोचना कि दिल्ली सरकार ने सबसे ज्यादा सीसीटीवी लगाए हैं, सीसीटीवी मोहल्ले में सबसे ज्यादा। इनसे बच्चा कैसे जाए, क्या इनको बोला जाए, क्या बोला जाए इनको? वो जैसे हैं वैसे आप रिएक्ट करो, जैसे है वैसे आप रिएक्ट करो। प्रॉब्लम अपने पास आएगी तो क्या करना है, दूर भगाना है, किसी भी चीज को दूर भगाना है। मेरे सामने फुटबॉल आ रही है मुंह की तरफ, क्या करूंगा, हेडर मारूंगा? मेरे सामने इधर से आ रही है फुटबॉल, लात मारूंगा? आपके सामने बॉल आ रही है क्रिकेट में, क्या कर रहे हो, खेल दे रहे हो ना, या अपने ऊपर ले लोगे उसे? इसको बोलते हैं बाउंस बैक। बाउंस बैक, जो चीज आपके पास जिस तरीके से आ रही है बाउंस बैक। आपके माता पिता आपसे पूछे हैं बात, तो हम क्या बोलेंगे, पापा तैयारी चल रही है, पापा टेंशन ना लीजिए, 1-2 साल का समय दीजिए, बहुत मेहनत कर रहा हूं, हो जाएगा। लेकिन सीसीटीवी पूछ रहे हैं बराबर बात है, अंकल कुछ नहीं कर रहा है, अंकल कुछ इरादा भी नहीं करने कुछ इरादा नहीं अंकल करने का, और अंकल पढ़ाई का तो बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा आजकल, सोच रहे हैं अंकल कोई लोहा हुआ का बिजनेस कर लेंगे। बाउंस बैक, जैसे आई थी वैसे ही जाएगी वापस, दोबारा नहीं आएगी। इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंस बैक। समझ रहे हैं चीजों को? बाउंस बैक करना सीखिए, हेजिटेशन हटाइए। आपके हेजिटेशन का फायदा उठाया जाता है, बार बार बोल के क्या कर रहे हो बेटा, अब महीने का निकला, 3 साल पहले फॉर्म भर रहे थे, अब महीने फॉर्म भर रहे हो हैं, लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं तुम्हारे, ना हो पाए तुमसे कुछ, ये सब चलता रहता है। बाउंस बैक, जितनी स्पीड से उतनी तेज ताड़ से मारो, सीधे बाउंड्री खत्म, दोबारा आएगी। और पूछिए क्या समस्या है। और सर वो ये बोल रहे हैं कि ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है इसी बात पे। वो एक सेकंड, रिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या है, रिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या है, रिस्पेक्ट की डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ क्या है। शुक्ला जी बैठे, इनकी आंखों में रिस्पेक्ट दिख रही मुझे, इनकी आंखों में दिख रही रिस्पेक्ट, ठीक है? ये हर जगह होता है, यह नहीं होता सिर्फ मेरे साथ नहीं। कुछ लोग अभी सेमिनार भी देख रहे होंगे और देख भी रहे हैं, पूरा देख के उठेंगे तो कि चुल है, और जैसे ही सेमिनार खत्म होगा बकवास था, इज इट कॉल्ड रिस्पेक्ट? नहीं। मेरे सामने अभी आप बैठे हो बहुत अदब से, आप मुझे दिखा रहे हो कि आप मेरे सामने हंस रहे हो, सर सर बहुत अच्छे, सर बहुत अच्छे, बाहर निकलते ही अरे घंटे खराब करके चला गया, इस घंटे में तुम कर क्या लेते, क्या कर रहे थे, कौन से माइनिंग से कहाँ केजीएफ में सोना होना निकाल रहे थे जो नुकसान हो गया है, या अगर हुआ भी तो तुम्हें बैग से कोई चला जाता है ना, नहीं ना। हमारा नेचर है, हम प्रोडक्ट खरीदेंगे भी पहले और उसके बाद उसके चीथड़े जुड़ाएंगे, है ना। हमारा माइंडसेट ही अजीब है, बहुत अजीब हमारा माइंडसेट है। हम लोग चीजों से घिरे हुए हैं, वो जो जकड़ के पुरानी चीजों ने हमें रखा है ना, इसीलिए बोलते हैं ना ये सनीमा ने हमें बर्बाद करके रखा है। क्यों बताता हूं, पुलिस वाला हमें अमीर नहीं चाहिए, पुलिस वाला अगर हम अमीर दिख गया, कोई भी BMW चलता हुआ, अरे बेटा देखो ऐसा, यही तो फायदा है वर्दी का, यही तो फायदा है वर्दी का। ऊपर से फोटो वोटो ले लेंगे, दो चार उसको वायरल कर देंगे, यही तो होता है ना। क्यों भाई वो BMW नहीं ले सकता क्या? हो सकता है वो IPS अधिकारी हो, उसकी तनख्वाह पता है कितनी होगी, उसका सारा पैसा तो बचता है, रहने आने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन का सबका खर्चा तो सरकार उठाती है, वो आराम से BMW ले सकता है। हमारा माइंडसेट है पुलिस अमीर नहीं हो सकती, हमारा माइंडसेट है शिक्षक टीचर झोला लेके ही चलेगा और ऐसे करता रहेगा बच्चों, ये हमारा माइंडसेट है। हम अपने गुरुजी को देख ही नहीं सकते हैं गाड़ी में, कहां से बना है ऐसा माइंडसेट? बचपन से हम मूवीज देखते चले आ रहे हैं, वही पुराने दौर की मूवीज, वही सब गुरुजी झोला लेके ही चलते हैं, बाकी गुरुजी होता ही नहीं। कैसे हमने अपने इंटर कॉलेज में भी देखा था, गुरुजी हमारे साइकिल से आते थे, देखा था ना। और डॉक्टर अगर हमें गरीब दिख जाए तो हम जज बन जाते हैं। हम पता है जजमेंटल कैसे होते हैं, खराब डॉक्टर है, इसीलिए तो इसके पास पैसा नहीं है, कोई पेशेंट ही नहीं आता होगा। कहीं पे भी गलत हो तो बोलो, गलत तो नहीं है, सो हाउ द जोश, बताओ भाई, बात को आप समझ रहे हो, चीजों को समझो, हर चीज तुम्हारे सामने है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस दौर में जी रहे हैं, हमारा माइंडसेट क्या है। कोई आज किसी टीचर को देख लेता है, अरे हमारे पैसों से मौज चल रही है, मलाई खा रहे गुरु जी आपके घर पे आए थे चोरी करने, नहीं आए थे ना, आप भी गुरु जी बन जाओ, आप भी गुरु जी बन जाओ। लेकिन गुरु जी कैसे है, 5% लोग ही उसे समझना चाहते हैं और अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है ना? बात मेरी समझ आ रही है किसी को? Yes, sir. एक और हमारा माइंडसेट है, मैं यहां पर करप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, घूस की बात नहीं कर रहा हूं। कल को आपकी नौकरी लगेगी और जब आप सीट पे बैठते हो, उस सरकारी पद में बैठते हो, तो लोग आपको ग्रीड करते हैं, ग्रीड नहीं ग्रीड करते हैं, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं आपको। लोग आपके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, और जब वो व्यक्ति, जब आप गिफ्ट लेकर आ रहे हो, मान लो अपने मोहल्ले से, कल को मान लो आप इंस्पेक्टर बन गए, आप एक्साइज इंस्पेक्टर हो, आपके ऑफिस में गांव का प्रधान आ गया और वो आपके लिए 10 लीटर बिल्कुल तेल एकदम पिरा के लेके आया, एकदम बिल्कुल शुद्ध तेल, सरसों का, आपके लिए लाए वापस। आप घर लेके आ रहे हो मोहल्ले में, बेटा मजे है, अब तो सरकारी नौकरी है, मजे तो तुम्हारे ही है, खूब घूस चल रही है। आप उसे बोलोगे, कि गिफ्ट है, वो बोलेगा गिफ्ट कुछ नहीं होता है, घूस ही होती है, और ये सब तो मुफ्त में मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, ये सब तो मुफ्त में मिल रहा है, तो केवल एक ही चीज है, बोल देना कभी भी, भाई मुफ्त में मिल रहा है तुम भी ले, मना किसने किया है? मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, आपने कमाया है उसे। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं यहाँ करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जब छोटे थे तो टीचर्स डे में अपने गुरुजी के लिए पेन लेके जाते हो, मैं तो जाता था, इतने शौक से लेके जाता था, गुरुजी के लिए पेन लेके जा रहा हूँ, कभी ग्रीटिंग कार्ड लिख के ले जा रहा हूँ, उसमें शायरी बड़ी होनी है से लिख के लेके जा रहा हूँ। बाद में जग जग की ग्रीटिंग कार्ड बनाता था। Yes, sir. क्या वो घूस है? No, sir. वो मेरे गुरुजी ने कमाई है जो मैं उन्हें दे रहा हूँ। ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, कल आपके साथ होगा तो कैसे ट्रीट करोगे? सीधे बोलिए उस चीज में, उसमें हर्ज क्या है कि अगर मुफ्त का है तो सबको मिल सकता है, खुद जाके ले लो जहां बढ़ रहा है, मुफ्त कुछ नहीं होता दोस्त। वैल्यू समझिए, वैल्यू और MRP के बीच का हमें अंतर ही नहीं पता है। तुम कोई प्रोडक्ट नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर प्राइस टैग लग जाएगा 500 रुपया के या 999 रुपया के, तुम एक आदमी हो, तुम्हारे ऊपर प्राइस टैग नहीं, तुम्हारे ऊपर वैल्यू चलती है। बिकम अ वैल्यूएबल। आप जब तक वैल्यूएबल नहीं बनोगे तब तक दुनिया आपकी कदर नहीं करेगी। एक टाइम आता है जब हमारे घर वाले भी बोलने लगते हैं कि बेटा खा खा के पलंग ही तोड़ोगे या कुछ कमाओगे? कब तक तुम्हें खिलाएंगे? मिडिल क्लास फैमिली वालों की बात कर रहा हूँ, धन्ना सेठों की बात नहीं कर रहा हूँ, धन्ना सेठों की नहीं बात कर रहा हूँ। मेरा भाई राहुल अवस्थी, एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूं हमारे मिडिल क्लास में कैसा चलता है, और हर एक मिडिल क्लास बच्चा इस चीज को कनेक्ट कर पाएगा। उसका ड्रीम था मर्चेंट नेवी में जाना। मर्चेंट नेवी कराया गया, सारी चीजें हुई, प्लेसमेंट नहीं हुआ, 7 लाख रुपया डूब गया, घर आ गया, कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ। उसके बाद पता लगा कि वैसा ब्रोकरशिप से भी जाया जाता है, उसमें वो भी कोशिश करी, नहीं हुआ, वहां पे भी कुछ अमाउंट चला गया। पिताजी का मेहनत का पैसा, लोन का पैसा, और जा कैसे रहा है ऐसे। बीटेक भी इससे सस्ते में हो जाता है, और करीब 9 लाख रुपए के आसपास तब तक जा चुका है। सारी चीजें हुई, घर आ गए, वो बैठ गया और घर पे हो गए करीब 6-7 महीने। माँ से ज्यादा कोई प्यार करता है इस दुनिया में बच्चे को? नहीं करता है, नहीं करता है। बट क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हो कि उस प्यार में आपकी माँ आपको कभी ना ये ना बोले कि आप अपना करियर ना बनाओ बेटा, घर पे ही बैठे रहो? आपको बोलती है, आपको बोलती है, और एक टाइम के बाद वो आपको चैलेंज भी करती है जब उससे काम नहीं बनता तो। और मेरी भी माताश्री ने वही काम किया। पहले वो चीज आंखों में दिखती थी और उसे वो चीज शायद नहीं आ रही समझ, और अगर आ भी रही थी तो उसके दिमाग में एक चीज थी, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया हूं इस जिंदगी में, कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं रखा, इतना पैसा मैंने माँ बाप का डुबो दिया और सारी पढ़ाई मेरी खराब चल रही। उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, जीवन मेरा खराब है, अंधकार है। मेरी माँ ने एक दिन बोल ही दिया। हम मिडिल क्लास फैमिली, इवन लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हम उस टाइम पे किराए में रहते थे। मुझे आज भी याद है 1800 रुपए किराए के कमरे में रहते थे, और एक कमरा बड़ा था और एक कमरा उसका आधा था। उसमें हम 4 लोग रहते थे, मैं, मेरा भाई, मम्मी और पापा। और ऐसा कमरा जिसके अंदर धूप की किरणें नहीं आती थी। जब गर्मी होती थी तो हमें दाने होने लगते थे, फुंसी होने लगती थी, धूप मिली नहीं। और ऐसे पता है कितना टाइम गुजारा है? 12 साल उस कमरे में। आपके घर में तो धूप आती होगी, ऐसी माँ क्या बोलेगी? उसने एक दिन बोल ही दिया मेरे भाई से। उसका घर का नाम है बंटी। बंटी, अब तो हमें घर में बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे, जाओ जाके कुछ भी करो। और अगले दिन कानपुर में, आपको पता ही है, लेदर इंडस्ट्री पहले काफी थी, अब तो आगरा शिफ्ट हो गई है। अगले दिन उसने जाके लेदर फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। 3000 रुपये में लेदर फैक्ट्री ज्वाइन कर ली, और सुबह 9 बजे जाता, शाम को 8 बजे छूटता। मर्चेंट नेवी के लिए इंजीनियरिंग करके बंदा लेदर फैक्ट्री में कर रहा है काम। ओके, और मल्टीटास्क, अकाउंटिंग भी कंप्यूटर पे। वो बोल रहा है मंडी चले जाओ, सामान लेके आओ, उसको ये पैसा दे आओ, या राहुल एक क्लाइंट आने वाला है, थोड़ा सा आप मेरी टेबल साफ कर देना, you know what? और वही बंदा 6 महीने बाद मेरे फॉर्म भरने पर इंडियन नेवी निकाल देता है और सिलेक्ट हो जाता है इंडियन नेवी में। डेस्टिनी, डेस्टिनी आपको कहां ले जाएगी आपको नहीं पता। आप अपने सपने चुन सकते हो, लेकिन वही सपने आपके पास आएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। yes. SSC की तैयारी जिस दिन से करना चालू करी है आपने, PCS की तैयारी जिस दिन से चालू करना शुरू करी है, हम सिर्फ लक्ष्य तय कर सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा हमें नहीं पता, नहीं पता हमें, ठीक है ना। हमने जो हट पाल रखा है कि मेरे पास यही चीज आएगी, यही हट ही तो हमारा दुश्मन बन जाता है, यही तो हमें प्रेशराइज कर देता है। देख के हंसी आती है, 20 साल की उम्र, 18 साल की उम्र, और फोन आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि फोन आया होगा इसलिए कि कोई दिक्कत है करियर से रिलेटेड। गुरु जी बहुत दुखी है, क्या बताओ, गुरु जी 2 दिन से फोन नहीं उठा रहे। मैं कहा फोन नहीं उठा रही, दूसरों को लगा लो फोन, दूसरी उठा लेगी भाई। और गुरु जी उसमें कर क्या लेंगे भाई, दूसरे को फोन लगा लो भाई, वो कर ले। कॉन्टेक्ट लिस्ट में इतने नंबर होते हैं, किसी को भी लगाओ बात करो। नहीं गुरु जी वही आखिरी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है जीवन में। तुमने निर्धारित कैसे कर लिया कि वही आखिरी? सिंपली हमने निर्धारित कर रखा है कि यही नौकरी हमारा जीवन है। तुमने निर्धारित करके, आपको पता है मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि जीवन में लक्ष्य तय करते हैं CHSL का, MTS का, और उनकी लगती है नौकरी CPO या CGL, या उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट की सीधे डिफेंस में नौकरी लग जाती है, सेमी डिफेंस गवर्नमेंट। कारण पता है क्या है, वो अपना लक्ष्य तय करके ना आंख बंद करके सिर्फ जुट जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि कब वो MTS और CHSL के ऊपर की भी मेहनत कर गए और वो फॉर्म निकल जाता है। हमें अपना पोटेंशियल नहीं पता है। हमारे साथ वही वाला केस है, रामायण वाला, जब हनुमान जी को ताकत का अंदाजा दिलाया गया। हम भूल जाते हैं बार बार हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम भूल जाते हैं इन चीजों को। हम कर क्या सकते हैं, हमें लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया तो चाहती है, अगल बगल वाले जितने भी CCTV आपके लगे हुए होते चाहते ही है तुम घुटने टेक दो। उन्हें जिताना है कि हराना है यह हम पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? पूछे और भी कुछ पूछना है तो बाउंस बैक करूंगा, पूछे। सर जीएस की तैयारी सर 10 दिन से ज्यादा हो नहीं पाती है। एक्चुअली पढ़ते हैं फिर उसके बाद से 10 दिन पढ़े, फिर उसके बाद से कंटिन्यूटी हो नहीं पाती है। फिर 10-15 दिन बाद जब लगता है कि एग्जाम आ रहा है पास में तो फिर पढ़ते हैं, फिर 10-12 दिन पढ़े, फिर ऐसे छूट जाती है। ऐसा इसलिए छूट पता है क्यों जाती है, चीजें वही छूटती है जीवन में जो कि जरूरी नहीं होती, जो कि जरूरी नहीं होती। ठीक है, हमारे पिताजी लोग और उनसे भी पहले के लोग जब ड्यूटी पर जाया करते थे तो वो घड़ी घर से निकलने से पहले नहीं भूलते थे। yes, कभी नहीं भूलते थे। घड़ी हमेशा बंधी होती थी। पुराने जमाने कभी लोगों को देख लेना, मैंने अपने बाबा को देखा है, नाना तो खैर मेरे घड़ी तब भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं, बाबा को मैंने अपने देखा है, बिना घड़ी के निकलना ही नहीं होता। ठीक है ना? क्यों? क्यों? क्योंकि घड़ी जरूरी थी। yes, और अब हम घड़ी भूल जाते हैं। कारण क्या है, मोबाइल है हमारे पास, मोबाइल है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट मोबाइल नहीं बोलते। चीजें जब तक जरूरी नहीं होंगी, प्रायोरिटी नहीं होंगी, हम लेते ही नहीं। ये हमारी आदत है, हमारी आदत है। इस दुनिया में कौन इंसान ये सोचता होगा कि कुछ भी काम कर रहा है और उस टाइम ये सोचता होगा आज 4:45 बजा हुआ है, 8 बजे मुझे वॉशरूम जाना है और प्रेशर आ जाना चाहिए। कौन सोचता होगा, कौन सोचता होगा? कोई सोचता है? हाँ या ना, तेज बोलो यार। कोई नहीं सोचता। लेकिन जब आता है तो सारे काम छोड़ के जाते हैं। कारण क्या है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मैटर्स, हमारा नेचर ही ऐसा है, हम प्रायोरिटी लेते हैं, हम उससे पहले काम ही नहीं करते। समझिए तो जीएस कभी नहीं छूटेगी अगर प्रायोरिटी होगी। और आपके केस में उसकी दिक्कत भी बता दो, क्योंकि दिमाग में हमारे जीएस में कितना भी पढ़ लो लग काम करेगा तो ही होगा। उस दिन जितने क्वेश्चन हमारे मतलब के आएंगे उतने ही कर पाएंगे, बाकी टाइम खराब है। इसलिए जीएस छूटती है, मैथ नहीं छूटती, अंग्रेजी नहीं छूटती, रीजनिंग नहीं छूटती। समझ आई बात? और आपको ये नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि अभी चौराहे में अगर आपको पुलिस वाला पकड़ लेगा और आपके फंडामेंटल राइट का अगर कहीं पर भी हनन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वही जीएस काम आ जाएगी तुरंत। रियल लाइफ में कहां कहां काम आएगी आपको नहीं पता है। अंग्रेजी नहीं आएगी काम, प्रोनाउन काम नहीं आएगी वहां, नाउन भी नहीं आएगी काम, सिर्फ जीएस काम आएगी, सिर्फ जीएस। वो 4 लोगों के साथ खड़ी है, मन कर रहा है कि जाके मिल लूं, बात कर लूं, लेकिन वो 4 ऐसे धुरंधर हैं कि उन चारों के सामने अपनी इमेज कैसे बनाऊंगा, अपनी इमेज कैसे बनाऊंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ ये जाके। वो चारों जो टॉप कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। देयर इज एवरीवेयर जीके एंड जीएस। आपके अंदर जब जीएस होती है ना, तो आप कहीं पे भी खड़े होकर जब बोलते हो ना, तो लोग आपको सुनते हैं। Unacademy, let's crack it.